किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अक्टूबर माह में आप पालक, मेथी, धनिया, चौलाई इन जैसी साग वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं और लगभग 50 से 55 दिन में मोटा रकम हासिल कर सकते हैं और खेत भी खाली कर सकते हैं अन्य फसलों के लिए। जैसे कि आपको दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में आपको गेहूं की बुआई करनी है, सरसों की बुआई करनी है या चना की बुआई करनी है, इसके लिए आप तैयार कर सकते हैं लास्ट में फील्ड। और उससे पहले आप अक्टूबर में बुआई करके आप लास्ट नवंबर तक फसल की भी पूरी कटाई कर सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो किसान भाइयों, अक्टूबर में उगाई जाने वाली साग में सबसे पहले बात करेंगे पालक की। तो पालक ऐसी जो सब्जी है या साग है जो कि बहुत ही अच्छा विटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स है। किसान भाइयों, पालक की खेती आप करके लगभग 45 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्यारियों में बुआई करना है या फिर आप मेड़ में बुआई करें तो मेड़ थोड़ा मोटा रखें और हाइट ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बारिश की संभावना लगभग है कि होगी, अगर नहीं होगी तो सिंचाई में दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से आप पालक की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद आप धनिया की बुआई कर सकते हैं जो कि एक अच्छा प्रॉफिट। किसान भाइयों, धनिया तो आप जानते होंगे सलाद में या सब्जी में, किसी भी सब्जी में धनिया का स्वाद अलग ही होता है, तो मार्केट में इसका बहुत ही अच्छा वैल्यू होता है। तो आप धनिया भी अक्टूबर में लगा सकते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। किसान भाइयों, इसके बाद बात करेंगे मेथी। मेथी सर्दी की सीजन की बहुत ही अच्छी फसल है। मेथी की जो सब्जी है बहुत ही अच्छा विटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स इसमें पाया जाता है और इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसकी बुआई आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। इसकी बुआई आप छोटे छोटे क्यारियों में कर सकते हैं या हल्की ऊंची पतली या लंबी मेड़ में कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार, अपने यहाँ के वातावरण के अनुसार इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, किसी भी सब्जी की या किसी भी फसल की आप खेत में बुआई करने से पहले मार्केट का अनुमान ज़रूर लगाएं। पिछले वर्षों में आप ने अनुमान लगा लेंगे कि पिछले वर्षों के आपके मार्केट में कैसा रेट था और आने वाले सीजन में कैसा रेट होगा, या फिर आपके मौसम या वातावरण के अनुसार ही फसलों की बुआई करें। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अक्टूबर माह में कुछ विशेष साग की बुआई कर सकते हैं जो कि आपका लास्ट नवंबर दिसंबर तक में खेत खाली कर सकता है, और आप गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं या फिर चना की बुआई कर सकते हैं या अन्य फसल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।